बाकी भी जो स्टॉक्स हैं वहां भी आप अच्छे रौनक देखेंगे, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, अमेजिंग हम रनअप कहेंगे पेपर स्टॉक पैकेजिंग स्टॉक्स की, बताइए क्या रीजंस है इसके पीछे? जी बिल्कुल, पैकेजिंग स्टॉक्स जो है फोकस में रहने वाला दिन के ट्रेड में जो है एक शानदार जो है मूवमेंट देखने मिला है पैकेजिंग स्टॉक्स में। और यहाँ पे हमारे इंडस्ट्री सोर्सेज और चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि जो ओवरऑल रीअलाइनमेंट हुई है वो पूरे सप्लाई चेन में देखने मिल सकती है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सप्लाई मिसमैच हो रही थी पहले डोमेस्टिक मार्केट में, वो अब कम होए जा रही है धीरे धीरे। और पहले जो थे जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो जो है पहले अपने आउटपुट को कम कर रहे थे क्योंकि उनके जो मार्जिन है वो इम्पैक्ट हो रहे थे और कुछ प्रोडक्ट्स लॉसेज में भी बिकवाली हो रही थी। तो एक साइड सप्लाई साइड ठीक हुआ है, दूसरा साइड डिमांड में इंप्रूवमेंट इसलिए आया है स्पेशली फार्मा और एफएमसीजी सेगमेंट में, और फेस्टिव सीज़न भी है तो उसके कारण मिड सितंबर से जो है स्ट्रीट को उम्मीद है कि यह पिकअप जो है डिमांड देखने मिल सकती है पैकेजिंग में भी। और ओवरऑल जो ऑपरेशनल मार्जिनस है वहाँ पे जो है बाज़ार का मानना है कि थर्ड क्वार्टर से जो है ऑपरेशनल मार्जिनस भी इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी आपके पैकेजिंग स्टॉक्स को लेके। और याद रखिए पैकेजिंग स्टॉक्स में जो है 2 या 3 क्वार्टर का लैग होता है जब क्रूड गिरता है, तो उसके भी बेनिफिट जो है रॉ मटेरियल प्राइजेस में अब दिखने लगे हैं। लेकिन आप देखें तो इस सेक्टर में 1 साल की अगर रिटर्न्स की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द आपके पैकेजिंग स्टॉक्स से लगभग 25% से 50% तक का जो है गिरावट देखने मिला है। और अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो एक कंपनी है पॉलीप्लेक्स, अगर उसको आप हटा दें तो बाकी सारे मेजर पैकेजिंग कंपनीज हैं उनकी ईवी एबिटा मल्टीपल्स भी जो है 10 के नीचे आ चुकी है। पैकेजिंग में डाल दिया, ठीक है, शुक्रिया शरद। तो तमाम स्टॉक्स में हम अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। कॉस्मो फर्स्ट अचानक से ये शेयर अब देखिए 12% ऊपर, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ये कारोबार कर रहा है। इसके अलावा यूफ्लेक्स तो खैर लॉक है, उसकी तो खैर अब क्या ही चर्चा करें। लेकिन सुदीप आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ट्रेड के मौके बनते हुए दिख रहे हैं इन शेयरों में, क्योंकि आज तेजी तो बड़ी जोर शोर की हो रही है इसमें। अगर हम ये पॉलीप्लेक्स भी देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम नीचे के स्तर से एक ये ऑलरेडी हमने देखा है कि यहाँ पे एक अच्छा फॉल आया था, उसके बाद स्टॉक अब अपना 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आज वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे करंट मार्केट पे भी एक रिवर्सल ट्रेड बन रहा है 1190 के स्टॉप लॉस से 1290 के टारगेट के लिए, बट 1300-1350 के आसपास सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। तो पॉलीप्लेक्स मुझे लग रहा है कि डिप पे ये एक रिवर्सल कैंडिडेट के हिसाब से हम उसको ले सकते हैं। ओके, ठीक है राज।